हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.4 के लिए, और ये है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए। और क्वेश्चन 9 जो है एक्सरसाइज 3.4 का आखिरी क्वेश्चन भी है, तो ये से हम लोग जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन बताइए साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि कोई एक कॉमन हो जाए। तो हम देखते हैं कि साइन तो x और 3x को ऐड करते हैं तो 4x 4x अपॉन 2 5x नहीं आ रहा है, माइनस भी कर देते हैं अगर 3x में से x तो आ रहा है 2x 2x अपॉन 2 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वहीं ये 5x और x को माइनस प्लस करते हैं तो 6x आता है 6x अपॉन 2 यानी 3x। तो इन दोनों को क्यों साथ ले लिया जाए, तो हम वही करते हैं। पहले तो क्वेश्चन हम लोग वही नोट कर लेते हैं जो है साइन 5x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, किनको, इसको और इसको। तो साइन एक्स प्लस साइन 5x हम एक साथ ले लेते हैं, साइन 3x को बिरादरी से छांट देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 होता है। तो ऐसा होता है, इसलिए क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि साइन एक्स और साइन इन दोनों में ये जो हमने बिरादरी से इसको छांट दिया, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 6x एक्स प्लस 5x कर देते हैं, एक्स प्लस 5x अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस 5x अपॉन 2 ये प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। और अब ये क्या हो जाता है, 2 साइन ये देखिए 5x और 1x 6x 6x अपॉन 2 यानी कि 3x कॉस एक्स माइनस 5x माइनस 4x माइनस 4x अपॉन 2 तो माइनस 2x कॉस माइनस 2x यानी कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस को ये सोख लेता है तो ये कॉस 2x ही हो जाएगा ठीक, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ये तो हमने ऐसे ही बताया था, आपको समझाया है। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेने के लिए तो हमने ये सब काम किया है। तो साइन 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है 2 कॉस 2x प्लस 1 बचता है इज इक्वल टू 0। अब तीन शर्तें हैं इस इन सबको जीरो कर देने की, या तो ये जीरो तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो जाएगा, या फिर ये जीरो तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो जाएगा, या फिर दोनों जीरो हो तो मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो है, इफ साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो जनरल फॉर्मूला का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या है कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 0 हो तो ये कहता है कि x इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि 3x इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए क्योंकि x की जगह तो 3x है, और x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 होना चाहिए वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे भी वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए ठीक। अच्छा, लेकिन यदि ये 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ तब क्या होगा, तब हो जाएगा कॉस
पहले अच्छे से लिखते हैं, 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अच्छा, और ये 2 इधर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सोचिए जरा -1/2 कब आता है, 1/2 कब आता है, माइनस की छोड़ दीजिए बात, कॉस थीटा के कॉस में किस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम क्या कहेंगे 60 डिग्री पर होता है, किस पर होता है 60 डिग्री पर, तो कॉस 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे π/3। अब हमें और ध्यान देना होगा कि ये माइनस में, तो यहां पे माइनस होना चाहिए, ठीक, लेकिन माइनस हमको लेना होना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस में कब वैल्यू आएगी, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव ही होगा, बात खत्म। यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा एक, और एक यहाँ पे एक यहाँ पे नेगेटिव होगा, कॉस दो जगह नेगेटिव हो सकता है, सबसे छोटा एंगल यहीं पे नेगेटिव मिलेगा इसका, तो यहाँ पे पाई में से समथिंग माइनस करने पर होता है, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये क्या हो गया, 3 1 3 3 में से 1 माइनस हो गया 2π, 2π/3। अच्छा, अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हमको पता है कि अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो, तो जनरल सॉल्यूशन बताता है कि x इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, 2n π प्लस माइनस y ले लीजिए, where n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसी स्थिति में x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n π। अच्छा, x नहीं है हमारे पास, 2x है, x की जगह पर 2x है, 2x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस, और y की जगह पर हमारे पास 2π/3 है। अब और x इज इक्वल टू, अब ये 2 इधर जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो n π हो जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस, तो केवल यहीं पे जाकर डिवाइड थोड़ी ना करेगा, इसको भी तो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करते ये वाला 2 उड़ जाएगा, तो π/3 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, n π/3 और n π± π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये था एक्सरसाइज 3.4, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। आपको इसके बचे हुए मतलब इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।